इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे B2B फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ जिसे लेकर आप अपने पूरी सिटी में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की सर्विस दे पाएंगे और महीने के 3 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ना तो कोई फिजिकल ऑफिस लेने की जरूरत पड़ेगी और ना ही एम्प्लॉयज को हायर करने की जरूरत होगी। और दोस्तों इस तरीके की फ्रेंचाइजी इंडिया में शायद ही कोई कंपनी होगी जो प्रोवाइड कर रही होगी। सो अगर आप कंपनी के साथ जुड़कर बिजनेस शुरू करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी नहीं खोना चाहते तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये फ्रेंचाइजी एक जोन में सिर्फ एक ही आदमी को मिलेगी। So, दोस्तों इस वीडियो के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताइए इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमांडो यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम इंडियंस अपने लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट में एक अच्छा खासा मील खाना पसंद करते हैं या फिर अगर हम कहीं बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो मोस्टली लोग थाली ऑर्डर करना प्रेफर करते हैं जो की एक रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है और उसमें अलग अलग तरीके के फूड्स भी अवेलेबल होते हैं। साथ ही दोस्तों कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो काम या पढ़ाई की वजह से अपने घर से दूर हैं और चाहते हैं कि उन्हें कहीं से अपने घर जैसा खाना मिल जाए। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये होती है कि होटल से या फिर रेस्टोरेंट से जब ऑर्डर करते हैं तो डिश तो सेम मिलती है लेकिन उसका स्वाद घर जैसा नहीं होता। वहीं दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक ही प्लेट में अलग अलग प्रकार की डिशेस खाना चाहते हैं लेकिन ऐसी थाली बहुत ही रेयरली मिलती है। सो दोस्तों लोगों की इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक कंपनी ने सिर्फ थाली के सेगमेंट को फोकस करते हुए बिजनेस शुरू किया है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसपे लोगों को अलग अलग तरह की थालियों के थ्रू एक ही बार में अलग अलग फूड आइटम्स खाने का ऑप्शन मिलेगा। सो दोस्तों उस कंपनी का नाम ऑर्डर थाली जो कि उत्तराखंड बेस्ड है और अब तक कई सारे स्टेट्स में अपनी फ्रेंचाइजी दे चुकी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है और आप खुद जानते होंगे हमको इंडियन स्टार्टअप्स को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। अब दोस्तों इनका ये जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप है ये काम कैसे करता है चलिए आपको कुछ सेकंड के वीडियो के थ्रू बता देता हूं। देखिए दोस्तों सबसे पहले प्ले स्टोर के ऊपर जाकर आपको ऑर्डर थाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद में इसे ओपन कर लेना है। यहां होम लोकेशन सर्च करनी है, आपके सामने बहुत से ऑप्शंस आ जाएंगे जैसे घर की थाली, रेस्टोरेंट थाली, पिज्जा बेकर और चखना थाली। इसके अलावा दोस्तों नीचे की तरफ आपको और भी अलग अलग डिशेस के ऑप्शंस दिखाई देंगे। साथ ही ये जो 4 कैटेगरीज ऑफ थाली है इनमें भी आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है बहुत से लोकेशन पर आपको इस ऐप की सर्विस नॉट अवेलेबल दिखाई दे क्योंकि वो आपके यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई होगी। सो दोस्तों यहाँ पे ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून होम लोकेशन में डालकर इनकी सर्विस देख सकते हैं। वैसे जल्द ही इनकी सर्विस पूरे ऑल ओवर इंडिया में शुरू हो जाएगी क्योंकि ये कंपनी धीरे धीरे अलग अलग स्टेट्स में अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है। सो आप इंडिया के किसी भी स्टेट में इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। दोस्तों ऐसा करने से इस कंपनी को भी एक्सपांशन का मौका मिलेगा और आपको भी एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अब दोस्तों इनके प्लेटफॉर्म पे कौन सी थाली मिलती है चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पे थालियों की 4 कैटेगरी रखी हुई है। सबसे पहला है घर की थाली, इसमें लोगों को नॉर्मल खाना मिलेगा जो वो घर पे खाते हैं जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, अचार वगैरह वगैरह। अब ये आएगा कहां से? तो देखिए लोकल घरों में ये बनेगा और लोगों को सप्लाई किया जाएगा, यानी कि इस प्लेटफॉर्म पे लोकल लोग भी रजिस्टर करके पार्ट टाइम में फूड का बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा है रेस्टोरेंट थाली। रेस्टोरेंट थाली में रेस्टोरेंट जैसा खाना मिलेगा जैसे अलग अलग तरह की सब्जियां, राइस, करी, रोस्टेड डिशेस और बाकी के डिशेस जो हम मोस्टली होटल में जाकर खाते हैं। तीसरा चखना थाली। चखना थाली एक तरीके की इंडियन वर्जन ऑफ प्लेटर है जिसमें अलग अलग प्रकार के स्नैक्स आइटम एक ही थाली में मिलते हैं। इसमें फ्रूट थाली, वेज चखना थाली, नॉन वेज चखना थाली और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चौथा है पिज्जा एंड बेकर। इस थाली में पिज्जा, बर्गर, फ्राइज, नूडल्स और जितने भी तरीके के फास्ट फूड्स एंड बेकरी आइटम्स होते हैं लाइक केक, पेस्ट्रीज वगैरह वगैरह, उनका प्लेटर बनाकर मिलेगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल किस तरीके से काम करता है। देखिए आपने कभी ना कभी स्विगी, जोमेटो, फूड पांडा ये जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं इनसे फूड ऑर्डर तो किया ही होगा। सो इन प्लेटफॉर्म पे रेस्टोरेंट से कस्टमर तक खाना डिलीवर करने का जो काम होता है वो लोकल लेवल पे कंपनी के थ्रू किया जाता है लेकिन ऑर्डर थाली पे ये काम फ्रेंचाइजी यानी कि टेरिटरी कोऑर्डिनेटर के थ्रू किया जाता है। सो जब कोई इनकी फ्रेंचाइजी लेता है तो अपने सिटी में जितने भी रेस्टोरेंट्स होते हैं उन सबके साथ टाइप करता है, साथ ही डिलीवरी पार्टनर्स के साथ भी टाइप करता है और डिलीवरी पार्टनर्स को पिंग कर दिया जाता है। ये सारा काम फ्रेंचाइजी यानी कि टेरिटरी कोऑर्डिनेटर के थ्रू मैनेज किया जाता है। साथ ही ये बाकी के फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से थोड़ा अलग भी है जिन्हें आप बेनिफिट्स की तरह देख सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट हो जाएगा टाइप विद रेसिडेंस यानी कि होम किचन्स। देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि रेस्टोरेंट से कितना भी घर जैसा खाना मंगा लो लेकिन घर वाला टेस्ट आपको घर के खाने में मिलता है, इसी चीज को ऑर्डर थाली बहुत अच्छे से समझते हैं। सो आप इस प्लेटफॉर्म पे अपने सिटी के लोकल लोगों के साथ टाइप कर सकते हैं और वो लोग अपना टेस्टी खाना कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा मोनोपोली। देखिए दोस्तों कंपनी सिटी वाइज फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करती है जिससे किसी भी पर्टिकुलर सिटी में जितने भी रेस्टोरेंट्स और फूड शॉप्स हैं वो वहां के फ्रेंचाइजी ओनर के अंडर में ही आते हैं जिससे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता है। तीसरा ऑनलाइन प्रॉफिट शेयरिंग। देखिए दोस्तों कंपनी ने प्रॉफिट शेयरिंग के लिए ऐसा पैरामीटर सेट किया हुआ है जिससे फ्रेंचाइजी पार्टनर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिल सके। चौथा 4 टाइप्स ऑफ इनकम सोर्स। यहाँ पे आप
आपको चार तरीके से पैसे कमाने का मौका मिलेगा। सबसे पहला है रेवेन्यू शेयरिंग, प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसे फ्रेंचाइजी पार्टनर के साथ शेयर किया जाता है। दूसरा है आप रेस्टोरेंट्स और फूड स्टोर के बैनर्स अपने प्लेटफॉर्म पर लगाकर पैसे कमा सकते हैं। तीसरा है एडवर्टाइजमेंट, आपके प्लेटफॉर्म पे जितने भी एडवर्टाइजमेंट आएंगे उसके थ्रू आपको इनकम जनरेट होगी। और चौथा है जो भी होटल चाहेंगे कि प्लेटफॉर्म उनको ज्यादा रिकमेंड करे तो उसके लिए अलग से चार्जेस देने होते हैं जिससे भी आपको अर्निंग होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अर्निंग पे कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं और ये पूरी तरीके से आपकी मेहनत और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करेगा। पांचवा है नो नीड ऑफ फिजिकल ऑफिस, आपको शुरुआत से किसी भी प्रकार के ऑफिस या फिर एम्प्लॉय को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है और आप ऑनलाइन इनकम जनरेट करने लग जाएंगे। आगे चलकर जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाए और आपको लगे कि आपको एम्प्लॉयज की जरूरत है या फिर ऑफिस ओपन करना है तो आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं सपोर्ट की। देखिए अगर आप कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो कंपनी आपको क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड करती है, चलिए वो डिटेल में हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है ट्रेनिंग, आपको इनके साथ जुड़कर काम कैसे करना है इसके लिए कंपनी की तरफ से आपको कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ये ट्रेनिंग टाइम टाइम पे होती रहती है जिससे मार्केट में आई नई नई स्ट्रेटजीज के बारे में आपको पता चलते रहता है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स इस बिजनेस के लिए लगने वाले हैं उनको बनवाने में भी कंपनी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तीसरा टैक्स सपोर्ट, कंपनी की तरफ से अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर को टैक्स में भी सपोर्ट किया जाता है। चौथा मैनेजमेंट, देखिए आपकी फ्रेंचाइजी का ओवरऑल मैनेजमेंट कंपनी हैंडल करती है, आपको सिर्फ लोगों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ना होगा, मार्केटिंग एंड रेस्टोरेंट की ब्रांडिंग करनी होगी। पांचवा ब्रांडिंग मटेरियल, दोस्तों कंपनी की तरफ से आपको ब्रांडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जैसे ऑर्डर थाली, बलून, फ्लेयर्स, फ्लैक्स, डिस्काउंट कूपन, डिलीवरी बैग्स, डिलीवरी बॉयज के लिए ड्रेसेस एंड टेरिटरी कोऑर्डिनेटर के लिए होर्डिंग्स वगैरह वगैरह। छठा नो रनिंग कॉस्ट, कंपनी की बैक एंड टीम सारा टैक्स संभालती है, इसके लिए आपको किसी भी तरीके का कोई भी रनिंग कॉस्ट नहीं देना होगा। चलिए अब ये जान लेते हैं कि आपकी ड्यूटी क्या होगी, मतलब अगर आप इनके फ्रेंचाइजी पार्टनर बनते हैं तो बेसिकली आपको क्या करना होगा। देखिए दोस्तों आपको सिर्फ तीन ही काम करने हैं। सबसे पहला टाई अप विद रेस्टोरेंट्स, देखिए आपको आपके जोन के अंदर जो अच्छे रेस्टोरेंट्स होंगे उनको ऑर्डर थाली रेस्टोरेंट पार्टनर ऐप के थ्रू ऑर्डर थाली के प्लेटफॉर्म पे फ्री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जिसमें उन रेस्टोरेंट्स के मेन्यू को अपलोड किया जाता है ताकि आपने जहां पे फ्रेंचाइजी ली है वहां के कस्टमर्स को रेस्टोरेंट्स और फूड्स के ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस मिल पाए। दूसरा टाई विद डिलीवरी बॉयज, अगर आपके साथ जुड़कर कोई इंडिविजुअल भी डिलीवरी सर्विस देना चाहता है तो उन्हें भी आपको ऑर्डर थाली डिलीवरी पार्टनर ऐप के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट में रजिस्टर करवाना होगा। रही बात डिलीवरी पार्टनर्स के पेमेंट की तो उन्हें डिलीवरी अमाउंट कंपनी की तरफ से पे किया जाएगा। सो दोस्तों जब आप किसी डिलीवरी पार्टनर को ऐड करवाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, साथ ही साथ में उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तीसरा ब्रांडिंग ऑफ रेस्टोरेंट्स, देखिए दोस्तों आपको ऑर्डर थाली की मार्केटिंग इस तरीके से करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑर्डर थाली से अपना मन पसंद का खाना ऑर्डर कर सके, इसके लिए कंपनी की तरफ से आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। चलिए दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि अगर आप ऑर्डर थाली की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो 4 लाख रुपए प्लस जीएसटी से लेकर 8 लाख रुपए प्लस जीएसटी तक होता है। ये पूरी तरीके से आपकी सिटी की डेंसिटी और वहाँ पे कितने रेस्टोरेंट है इसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं कंपनी मोस्टली टायर 1 और टायर 2 सिटीज में फिलहाल फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रही है क्योंकि इन्हीं सिटीज में रहने वाले लोग ज्यादातर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। सो दोस्तों जब आप कंपनी से फ्रेंचाइजी लेने के लिए कांटेक्ट करेंगे तो आपकी सिटी के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है वो अमाउंट बता दिया जाएगा। रही बात इनकम की तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहां पे आप चार तरीके से अर्निंग कर सकते हैं और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कंपनी की वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है और साथ ही साथ में मैंने इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दिए, तो आप सिंपली कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स है जो भी क्वेरी है उनको सॉल्व कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थी ऑर्डर थाली से जुड़ी सारी जानकारी। अगर आप किसी यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में है तो आप ऑर्डर थाली की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं क्योंकि ये मार्केट में नया कॉन्सेप्ट है और एक डिफरेंट सेगमेंट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों गूगल प्ले स्टोर पे आप इनकी रेटिंग भी दे सकते हैं, 4.9 की रेटिंग है विच इज वेरी गुड। सो कंपनी से कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर भी दिखाई दे रहा होगा और ईमेल आईडी भी देख पा रहे होंगे, सो आप इनके थ्रू कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट है जो भी क्वेरीज है उनको सॉल्व करवा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स फैमिली मेंबर और जान पहचान के साथ शेयर कीजिए। देखिए हो सकता है आपको ये बिजनेस शुरू ना करना हो लेकिन अगर आप किसी सही इंसान के पास ये वीडियो शेयर कर देंगे तो अगर वो सच में बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा काम का हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।